वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि महत्व के बारे में, इस दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा चंद्र दर्शन का, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जो कि संकट मोचन विघ्न हर्ता है, यह सभी प्रकार के परेशानी तकलीफ संकट में अगर इनकी आराधना करे तो सभी प्रकार के परेशानियां समाप्त हो जाती है। गणेश जी का यह व्रत जो कि बड़ा ही फलदायी माना गया है और यह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी जो कि स्त्रियां इस दिन व्रत को अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को जो कि पूरे दिन उपवास रहना चाहिए और शाम के समय में जो कि विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, साथ में दुर्गा माता जो कि चौथ माता कहलाती हैं, तो इनका पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे धन धान्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए पहले जानते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 जून 2023 दिन मंगलवार रात्रि 12:51 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 7 जून 2023 दिन बुधवार को रात्रि 9:12 पे। तो जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे वो शुद्ध रूप से जो कि 7 जून 2023 दिन बुधवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:07 होगा और सूर्यास्त शाम 6:46 और चंद्रोदय का समय होगा चंद्र दर्शन का जो कि रात्रि 10:18। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:56 से दोपहर 1:39 तक राहु काल का समय होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9:02 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। योग जो कि ब्रह्मा योग रात्रि 10:24 तक, उसके बाद इंद्र योग। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का और वरुण देवता का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह गणेश जी से कहें और इस दिन गणेश जी का जो कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। विशेष प्रकार से शाम के समय में चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का जो कि पंचोपचार या खुर्सोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए।
इस दिन भगवान गणेश जी के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करे और साथ में चौथ माता दुर्गा माता की फोटो या प्रतिमा को रखे और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करे। इस दिन भगवान गणेश जी को जो कि इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, उसके बाद पीला वस्त्र या लाल वस्त्र भगवान गणेश जी को चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं, यज्ञोपवीत भगवान गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। दुर्वा दल भगवान गणेश को अति प्रिय है तो कोमल कोमल दुर्वा लेकर के कम से कम 7 दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तु हो, विशेषकर भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय होता है तो उन्हें मोदक का भोग लगाए। तिल से बने हुए लड्डू का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश के पूजन में खास करके भगवान गणेश को जो कि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, उन्हें भोग लगाते वक्त या वैसे भी तुलसी दल अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के पूजन में तुलसी दल का निषेध है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद भगवान गणेश जी को जो कि द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करें, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। माता दुर्गा का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता दुर्गा चौथ माता को जो कि सिंदूर चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची आदि अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजन करके संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के अस्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इसके बाद फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का चौथ माता का और चंद्र देवता का पूजन करें, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का व्रत के दौरान बिल्कुल भी या नशीले वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।